आज हम आपके बीच इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। यह है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या है? देखिए, डिटरमिनर्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर इसे पढ़ा जाता है क्लास 9th में, 10th में या 11th 12th में, दोनों जगह ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा जाता है। डिटरमिनर्स को अगर हम देखें तो कई पार्ट में बांटते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स में सबसे पहला पॉइंट हम आज बात करेंगे आर्टिकल्स की। डिटरमिनर्स में ही आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं? देखिए, आर्टिकल्स वो डिटरमिनर्स हैं जो किसी नाउन, जैसे मैन, तो अ मैन लग गया, अ वुमन, या इस तरह से आर्टिकल कहीं भी लगाए जाते हैं, एन एलिफेंट। इस तरह से देखिए, नाउन से पहले यूज किए जाने वाले ऐसे वर्ड्स जो ये बताएं कि वो नाउन किस तरह से यूज किया गया है, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डिटरमिनर्स कई हैं। पजेसिव डिटरमिनर्स आते हैं, डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आते हैं, इंट्रोगेटिव आते हैं, है ना। हम आज बात करेंगे आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स कौन कौन हैं? आर्टिकल्स में आते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल अ, एन, इनको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। हालांकि अ और एन ये वन रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, लेकिन नाउन डेफिनिट नहीं होता है, तो इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल में आता है आर्टिकल द, इसका यूज स्पेसिफिक वे में होता है, इसलिए हम इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिला कि डिटरमिनर्स क्या हैं? द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन टू शो हाउ नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट इज नोन एज डिटरमिनर। नाउन से पहले यूज किए जाने वाले वो वर्ड्स जो बताएं कि नाउन यूज कैसे हुआ है, नाउन की के बारे में बताया, तो ऐसे इनको हम कहते हैं डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स में सबसे पहला पार्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को दो पार्ट में बांटते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब हम देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल द आता है। तो हम सबसे पहला यूज पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल अ, लिख लेते हैं यूज ऑफ आर्टिकल अ। अब देखिए, आर्टिकल अ कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, आर्टिकल अ यूज करने के लिए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट पॉइंट इज, हम वन वन रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सेंटेंस में अगर हम वन कहना चाहते हैं तो उसके जगह पे हम आर्टिकल अ लगाते हैं। हम जैसे देयर वॉज वन बॉय आउटसाइड, है ना, देयर वॉज वन बॉय आउटसाइड, तो वन की जगह पे हम रिप्लेस करके आर्टिकल आ लगा देंगे, देयर वॉज अ बॉय आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से वन रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल आ लगाते हैं। पॉइंट नंबर टू, ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम एनी का भाव प्रकट करने के लिए सेंटेंस में एनी एनी प्रकट करने के लिए हम आर्टिकल अ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी सुना रहे हैं हम किसी को, और स्टोरी में क्या बोलते हैं? देयर वॉज एनी किंग, कोई राजा था। देयर वॉज एनी किंग, एनी मतलब कोई,
कोई राजा था, तो एनी की जगह पे हम एनी को रिप्लेस करके और आर्टिकल अ लगाते हैं, बनेगा देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, है ना, कोई राजा था, एक राजा था। तो इस तरह से हमें मिला कि आर्टिकल अ लगाते हैं वन की जगह पे, आर्टिकल अ लगाते हैं एनी की जगह पे, है ना। अब देखिए नंबर थ्री, आर्टिकल अ का यूज हम किसी भी ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिनका साउंड कॉन्सोनेंट हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो, यानी अ बॉय, अ क्वीन, अ पेंसिल। इस तरह से हमने देखा कि कैसे आर्टिकल अ यूज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर फोर, हम आर्टिकल अ का यूज कुछ ऐसे नाउन से पहले भी करते हैं जो दिखते तो वॉवल हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट का होता है। जैसे मान लीजिए अ यूनिवर्सिटी या फिर अ यूटेंसिल, अ यूटेंसिल, या फिर हो सकता है अ यूनियन, अ यूनानिमस डिसीजन। देखिए इसमें साउंड य का आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल अ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फोर रूल्स देखे। फिफ्थ वन, किसी सेंटेंस में पर या एवरी की जगह पे हम आर्टिकल अ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ही अर्न्स रुपीज 5,000 पर मंथ। ये देखिए सेंटेंस में, ही अर्न्स रुपीज 5,000 पर मंथ। तो इसको हम अगर करेक्ट करें तो ये पर की जगह पे आर्टिकल आ लग जाएगा, ही अर्न्स रुपीज 5,000 अ मंथ, यानी एवरी मंथ। तो पर या एवरी की जगह पे हम आर्टिकल आ लगाते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर सिक्स देख लेते हैं। देखिए idioms में, idioms and phrases में the same की जगह पे हम आर्टिकल अ लगाते हैं। देखिए एक मुहावरा आपको याद होगा, birds of the same feather flock together, है ना, birds of the same feather flock together, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। तो the same की जगह पे हम आर्टिकल अ लगा सकते हैं, birds of a feather flock together, ये सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल अ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला वन की जगह पे आर्टिकल अ लगाते हैं, जैसे there होगा ना, there was a boy outside, one की जगह पे a लगाते हैं, there was a boy outside। दूसरा है any की जगह पे हम आर्टिकल a लगाते हैं, जैसे there was any king है, लिखना तो यही था लेकिन any की जगह पे हम आर्टिकल a लगाते हैं, there was a king। नंबर थ्री, देखिए जितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहां आर्टिकल a लगाते हैं, a boy, a queen, a pencil, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं, शुरू होते हैं वॉवल से लेकिन साउंड उनका कॉन्सोनेंट होता है और उनके पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल, अ यूनियन, इस तरह से अ यूनानिमस डिसीजन, है ना। अगला देखिए, पर या एवरी की जगह पे आर्टिकल अ लगाते हैं, जैसे He earns rupees 5,000 per month की जगह पे होगा, He earns rupees 5,000 a month, ठीक है। अगला देख लीजिए, the same की जगह पे हम आर्टिकल अ लगाते हैं, जैसे
बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टूगेदर, द सेम हटा दीजिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टूगेदर, यह एक idiom है ना। तो इस तरह से हमने देखा यूज ऑफ आर्टिकल अ। अब हम देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल एन, एन कहां लगाएंगे। देखिए जैसे आर्टिकल अ बहुत आसान था, आर्टिकल एन भी बहुत आसान है। हम देख लेते हैं कि आर्टिकल एन कहां लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर किसी सेंटेंस में वन वन का भाव प्रकट करना है तो वहां एन भी लगा सकते हैं, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो। जैसे है ना, देयर वॉज वन एलिफेंट, एक हाथी थी, है ना, देयर वॉज वन एलिफेंट, तो हम वन नहीं लिखेंगे, वन हटा के एन लगाएंगे, देयर वॉज एन एलिफेंट, एक हाथी थी, है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमको मिला, बहुत सिंपल है कि। अच्छा दूसरा देखिए, एनी, एनी के जगह पर भी एन लग सकता है, जो अभी हमने प्रीवियस रूल में भी देखा आर्टिकल अ लगा रहे थे, तो एनी की जगह पर एन लगा देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि जितने भी नाउन वॉवेल से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं वॉवेल से, और इसलिए वॉवेल साउंड भी होता है, इसलिए उनके पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं, जैसे एन ऑरेंज या फिर एन एप्पल। देखिए इसमें ये वॉवेल से शुरू है और साउंड भी वॉवेल है, तो इनके पहले आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं लेकिन उसमें एक्स साइलेंट होता है, और उनके पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं, एन लगाते हैं, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। इसमें देखा आपने, इसमें क्या है, एन लगा है, यहां भी एन लगा है, साइलेंट है, साउंड में एच साइलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सभी एब्रीविएटेड वर्ड जो कॉन्सोनेंट वॉवेल का साउंड करते हैं उनके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं, जैसे एन एम ए, एन एम बी ए, एन एम एल ए, ये सब में वॉवेल साउंड है, एब्रीविएटेड वर्ड है और इनके साथ आर्टिकल एन लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने आर्टिकल एन का यूज देखा, सबसे पहला कि वन रिप्रेजेंट करने के लिए एन लगाते हैं, दूसरा एनी की जगह पे आर्टिकल एन लगाते हैं, तीसरा वॉवेल साउंड के साथ आर्टिकल एन लगाते हैं, चौथा एवरी जो जहां एच साइलेंट होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन एच साइलेंट होता है और साउंड वॉवेल का होता है, उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, और कुछ ऐसे एब्रीविएटेड वर्ड जो वॉवेल साउंड से होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं। तो इस तरह से इस पे हम और प्रैक्टिस करेंगे और यूज ऑफ आर्टिकल द नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड नमस्कार।